हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन फॉलोज द लॉ एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी देन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। फोर ऑप्शंस आर गिवन। हम यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा। पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन किस लॉ से मूव कर रहा है। एस इज इक्वल टू हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी गिवन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो डीएस अपॉन डीटी इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 अपॉन 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी के ऊपर आ जाएगा। दैट इज डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी एस के ऊपर है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एस के ऊपर आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड इनटू में एस का डेरिवेटिव करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा। तो फाइनली यहां से डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एस स्क्वायर। डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 एस के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1 अपॉन 4 एस क्यूब के इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको लिखना चाहें 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2 और इनटू में ले सकते हैं 1 अपॉन यहां से आ जाएगा हमारा अगर इसमें 2 को 8 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना तो इसको हम लिख लेंगे माइनस 2 इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन 2 एस का होल क्यूब एंड 1 अपॉन 2 एस ये किसके इक्वल है डी एस अपॉन डी टी के। तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये फाइनली आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन सॉरी माइनस 2 इंटू डी एस अपॉन डी टी का होल क्यूब। यहां से हम क्या ले सकते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इस कॉन्स्टेंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू डी एस अपॉन डी टी के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी क्या है वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आया क्यूब ऑफ वेलोसिटी के। दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।